किया गया। इसके साथ साथ हमारे वो जवान जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए हम हमेशा ये कहते हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैं हमेशा ये जुमला कहती हूँ जो आपके दिलों में है, कि हम अपनी अफवाज के, अपनी फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। हम उनके हर किए हुए अमल को सराहते हैं और वो तमाम हमारे जवान जो चाहे LOC पर या कहीं पर भी लड़ते हुए अपने मोहब्बत करते हुए मुल्क से इस दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, हम उनकी उस शहादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन तमाम ख़ानदानों के साथ जो है वो हम इजहार ताज़ियत करते हैं। कल भी LOC पर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ फायरिंग की गई, वहाँ पर जो अरीब करीब इलाका है वहाँ पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत जो है वो अपनी हट धर्मी से नहीं हट रहा, वो हर दूसरे दिन कोई इस तरह की चीज़ करता है जिससे पाकिस्तान को तकलीफ़ हो। एक शख्स भी मरेगा, एक बच्चा हो, एक जवान हो, हम दुख में आएंगे, हम तकलीफ़ में आएंगे। तो अगर बात की जाए कि शहर के अंदर बेशुमार मसाइल मौजूद हैं और हम जो है वो बॉर्डर्स पर भी इस तरह की जो है वो मुश्किल सिचुएशन को डील कर रहे हैं, इस वक्त कानून को हमारे बड़ों को कितना मजबूती से फ़ैसला करना है ये वो बखूबी जानते हैं, लेकिन अवाम जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स कर सकती है इस पर भी आज हम बात करेंगे और कानूनी हैसियत पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब से ज़रब अज़्ब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पाकिस्तान हो या जिस तरह कराची में ऑपरेशन किया गया, हमने ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी। सियासी और अस्करी क़यादत एक मेज़ पर आकर बैठे और बड़े अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले किए गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी और बहुत सारी बेहतरी की या सख्त डिसीजन की जो है वो हमें ज़रूरत है और हमारे बड़े इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छे और बेहतर फ़ैसले करेंगे। ये जो तमाम सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, यहाँ एक और तकलीफ़ मैं आपके सामने ज़ाहिर करती रहूँ। जिस तरह हर किसी को जीने का हक़ है अपने अकीदे के मुताबिक, वहीं मुख्तलिफ़ मजालिस में आपने देखा कि लोगों ने फायरिंग की गई, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शहीद हो गए। किसी से जीने का हक अगर कोई छीन लेता है तो कानून कितना सख्त है कि हम उन्हें पकड़ते नहीं, सिर्फ जो है वो इजहार ताज़ियत कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है इस पर आज हम बात करेंगे। अ वेरी रिस्पेक्टेबल और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, जब अपना प्रोग्राम करते थे तो उनकी खूबसूरत आदत ये थी कि वहीं पर फ़ैसला कर देते थे और लोगों को जो है उनके मसाइल से निकालते थे। पहले भी आपने इन्हें बारह मेरे प्रोग्राम में देखा है, आज भी इनसे अपने इस मुल्क की सूरत हाल पर जो है वो कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़ी माजरत, आज बहुत कुछ था मेरे दिल में जो मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ, और ये तो अभी वो चीज़ें हैं जो बड़ी हमने चीता चीता चीज़ें अपने लोगों के सामने रखी। तो खैर साहब, ये इस वक्त सिचुएशन है और इससे ज़्यादा मुश्किल है जो शायद ऑन एयर डिस्कस करके लोगों को परेशान करने वाला मामला नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे एकदम से चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हो गई थी, बीच में बेहतर हुई, हमने बड़ा सुकून देखा, अब फिर हम उन मसाइल में जो है। देखिए जी, बात ये कि जहाँ तक ज़रबे अज़ब का आपने बताया, जिक्र किया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वज़ीरिस्तान में स्कूल खुल गए हैं, में कर दिया है और तकरीबन आखिरी जो दहशत गर्द है उस तक भी पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चीदा चीदा जो छुपे हुए लोग हैं वो कभी कभी नजर आ जाते हैं या कभी कोई बारूदी सुरंग लगा के गायब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी काम हो रहा है, तो आइंदा 2-3 हफ्तों में वो फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या है कि हिंदुस्तान की जो इश्तियाल अंगेजी है जी, आप उसको देखें, इधर जो नूरानी के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, हमारे पुलिस का जो फाउंडेशन थी ट्रेनिंग सेंटर क्वेटा में, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, 60 जानों का वहाँ पे हमारा नुकसान हुआ, 50 से ज़्यादा लोग शायद पता नहीं कहते हैं 65 या कितने, मैंने लेटेस्ट अखबार नहीं पढ़ा, शाह नूरानी पे वो लोग शहीद हुए बेचारे, वो धमाल देखने गए थे। एक तो मैंने पढ़ा कि वो सारी फैमिली फारग होके दुआ करके तो जाके अपनी कोच में बैठ रहे थे, एक एक घर के कितने लोग थे, 14-14, 18-18 लोग, तो कहने लगे इतने में धमाल शुरू हुई तो वो औरतें भाग के चली गई धमाल देखने। अल्लाह, तो वो उसमें वो तीन औरतें जो है कुरंगी की मौत बुलाती है, को अच्छा खासा वो जाके अपनी कोच में बैठ गए थे, फिर वो धमाल देखने चले गए। तो ये अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है। बहरहाल ये जो दिन उन्होंने चुना ये वही दिन था जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब जो थे सी पैक मनसूबे के जो शिप का
इफ्तिताह कर रहे थे और वो शिप यहाँ से रवाना हो रहा था, तो उन्होंने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारी कार्रवाई की है हिंदुस्तानियों ने या रॉ जो उनकी एजेंसी है। मैं रोज़ कहता हूँ कि उनके लोग हमारे अंदर मौजूद हैं, उनकी शक्लें भी हमारे जैसी हैं, वो कपड़े भी हमारे जैसे पहनते हैं और हमारे अंदर मिक्स हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा ये मालूम किया करो कि एक आदमी जो बहुत लैविश ज़िंदगी गुजार रहा है, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, नौकर भी हैं, ये भी है, लेकिन उसका कारोबार क्या है? अगर उसका कोई कारोबार नहीं है तो समझ रहो कि वो कहीं से उसको दो नंबर तनख्वाह मिल रही है उसको। जी तो ये लोग जो हमारे साथ मूव करते हैं, पार्टियां करते हैं, उठते बैठते हैं, उसमें देखे ना मेरा कारोबार वकालत है, सबको पता है, सुबह 8 बजे जाता है, 3 बजे आता है, फिर शाम को दफ्तर जाता है, रात को 12 बजे आता है। तो इसी तरह जो और लोग हैं, ये ऑटो पार्ट्स का करता है, इसकी फैक्ट्री है, इसकी वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है, मतलब हर एक का कारोबार हमें पता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपको कारोबार ही पता नहीं है और वो बड़ी जबरदस्त लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। वो सुबह सरकारी दफ्तरों में मिनिस्टरों को मिलते हैं, सरकारी अफसरों को मिलते हैं। हम अपने सरकारी जाती काम के लिए नहीं जा सकते सरकारी दफ्तर, छोटे छोटे काम होते हैं शनाख्ती कार्ड के, इसके वो महीनों लटकते रहते हैं, और वो लोग रोज़ सुबह सरकारी अफसरों के पास तैयार होकर बैठ जाते हैं और उनको कह रहे होते हैं कि चलें जनाब लंच के लिए चलें, इस क्लब में चलें, उस क्लब में चलें। तो ये वो लोग हैं, ये कह रहे हैं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए, ये लोग हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसे। अच्छा हमें ये होता है यार ये पार्टीज कर रहा है या घुमा फिरा रहा है, हमें पैसे कहाँ से ला रहा है, अच्छे गिफ्ट हमें दे रहा है, तो हमें क्या जरूरत है। बल्कि ये तो मैं ये कहूंगी, हम जब बात करते हैं ना कि आप बेटियों का रिश्ता देते हैं, तब भी आप ये नहीं, आप कहते हैं अच्छा कोठी है, घर है, गाड़ी है, यही नहीं पूछते कि वो आमदनी आ कहाँ से रही है। क्योंकि हम अब जो है ना सो कॉल्ड बड़े जो है वो फैंटिसाइज हो गए। तो ये इन्होंने बहुत खास पॉइंट उठाया आज ख्वाजा साहब ने कि जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त अहबाब में या आपकी बिजनेस कम्युनिटी में जब आप उठते बैठते हैं और इस तरह का कोई शख्स आए जिसका आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं, पता ही ना हो कारोबार क्या है, हाँ। उसके अब्बा का क्या कारोबार था, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो इतना खर्चा देखे ना जी, आजकल नॉर्मल आदमी जो पॉश एरिया में रहता है उसका मिनिमम खर्चा 5 लाख रुपए महीना है, ठीक है। तो आप कम से कम ये तो मालूम करें कि भाई ये 5 लाख रुपए महीना कहाँ से कमा रहा है, ठीक है ना, कोई कारोबार तो कोई नजर आए ना। तो अगर नहीं कमा रहा तो उसको कोई सीक्रेट एजेंसी तनख्वाह दे रही है, तो ये मालूमात करें, ठीक है। और इस मालूमात को फिर हमारी अपनी जो एजेंसियां हैं उनको आप मालूमात कैसे करेगा, एक आम बंदा मुझे जैसा कोई बंदा हो और वो अगर नहीं, आप मिलते हैं जब आप गपशप करते हैं आप, हाँ। उनसे पूछे क्या कारोबार है आपका, आपका गोदाम कहाँ है, आप कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, आपका क्लीयरिंग एजेंट कौन है, आप ये ट्रक कहाँ से किराए पे लेते हैं, किस भाव पे लेते हैं, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि इसका कोई काम है भी कि नहीं। और फिर आप अपने करीबी थाने में जाके या इस तरह या जी थाने को बता दें या मतलब IB, ISI, MI मतलब किसी को इतला दे दें। और ख्वाजा साहब आप ये भी देखें कि आप अक्सर देखें ये जो बड़े गुंजान आबाद इलाके हैं ना, यहाँ पर फ्लैट सिस्टम में या घरों में आपके इर्द गिर्द नए पड़ोसी आते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े जो है वो आइसोलेट होते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, बड़ी उनका एक्टिविटी बड़ी ना आने का पता होता है ना जाने का पता होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पे नजर रखें, आप मुझे बुरा लगेगा अगर कोई मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे लाइफस्टाइल में जो है वो इंटरफेयर करेगा या मेरे बारे में कोई बात करेगा, डेफिनेटली मुझे मैं हर्ट होंगी, मुझे बुरा लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी एबनॉर्मल होती हैं कि रात के टाइम या दिन के टाइम कोई ऐसी एक्टिविटी आप फील करें, जिस तरह हमने बहुत जगहों से, अब वो पता नहीं बात करने वाली है या नहीं है, असलहे निकल आए, इस तरह की चीज़ें हुई, डेफिनेटली वहाँ चीज़ें लाई गई होंगी ना, तो वहाँ कभी रात को ट्रक आया होगा, कभी वहाँ माल उतरा होगा, कभी वहाँ मजदूर आए होंगे, हाँ, तो ऐसी तो किसी ने तो देखा होगा exactly, लेकिन तो जिसने देखा वो देखकर सो गया। हमने ओन नहीं किया ना अपनी जिम्मेदारी को, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है उसके शहर में, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में, अपना अपना मोहल्ला, अपनी अपनी गली भी हम ओन कर लेना तो हम इन क्रिमिनल से भी जो है वो बच सकते हैं। जिस तरह ये सुसाइड बॉम्बर होते हैं इनके लिए भी तो कहा जाता है ये आपके इर्द गिर्द आके यहीं कहीं बसते हैं, ऐसे ही ख्वाजा साहब ये जो भी तक जिनकी मालूमात आ रही है वो ये जो सबब्स में जो गुंजान आबाद इलाके हैं उनमें इन्होंने कुछ छोटे छोटे कच्चे मकान लिए होते हैं, ठीक है, जो अभी पीछे आई हैं और जो पकड़े गए हैं या वो है,
और वहीं पे इन्होंने बम बनाने के अपने आलात और केमिकल और ये चीज़ें रखी होती हैं और ये ट्रेनिंग लेके आए होते हैं बाहर से सीख कर, और फिर वो 400 किलो का 500 किलो का ऐसा बम बनाते हैं कि पता नहीं कैसे है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ख्वाजा साहब, मैं आपसे सिर्फ आज हम अवेयरनेस दे रहे हैं ना लोगों को कि हर शख्स जहां बेचारे हमारे फौजी जो हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारी अफवाज को जिस तरह वो सरहदों पर और जहां ज़रूरत पड़ती है काम करिए, वरना उसी तरह हर शख्स के अंदर एक फौजी मौजूद है जिसे अपनी और अपने इर्द गिर्द की हिफाजत करनी है। जहाँ से ये केमिकल्स हैं या बॉल बेयरिंग्स इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जब कोई शख्स आपसे वाफर मिकदार में लेने आता है तो वहाँ पर उस शख्स को भी तो अलर्ट होना चाहिए ना कि आया ये क्यों ले रहा है, किसी इदारे से, किसी कंपनी से ताल्लुक है, तो वहाँ पर तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, तो ये पहले ही आया भी है टीवी पे और शायद मैंने भी कहा है कि अगर कोई आदमी तंदूर से रोज 40 रोटियां ले जा रहा है, 50 रोटियां ले जा रहा है, तो पता तो करो कि ये कहाँ लेके जाता है और ये 50 रोटियां खाने वाले कितने लोग हैं और ये कहाँ रह रहे हैं। अच्छा, पता चला अंदर 10 जो है मिलिटेंट्स बिठाए हुए हैं। हाँ। और एक छोटा सा लड़का आता है, वो कहता है 40 रोटियां रोज दे दो। ओके, चले ओकेजनली आप दावत होती किसी की पार्टी हो तो वो तो सही वो है ना, अलग बात है, रोज एक एक्टिविटी 3 टाइम लेके जा रहा है तो कम से कम पता तो करो कि ये इतने बंदे रहते कहाँ हैं। क्योंकि ये सब कुछ शहरों इलाकों में ही हो रहा है, आपके इर्द गिर्द ही हो रहा है। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस तरह आज आप अवेयरनेस के हवाले से बात करें, कोई और एक तरह की पॉइंट जो आप समझते हैं कि हमारी आवाम को जिसका एहतियात करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए? अब तो मेरे ख्याल से जब कोई नया किराएदार या कोई मकान भी खरीदता है तो उसकी थाने में जो है वो रजिस्ट्रेशन, हाँ अभी तो उन्होंने पुलिस ने पकड़ना भी शुरू कर दिया है जी। कल परसों 2 मालिक मकान बंद थे। अच्छा, हाँ, बड़ी कोशिश हो रही थी कि उनकी बेल हो जाए। ओके, उन्होंने वो किराएदार के कागज से मनी कराए थे। ओके, वो जो एग्रीमेंट वगैरह। हाँ, तो पुलिस ने बिठाया हुआ था उनको। मुझे फोन आई, मैंने उनसे कहा कि भाई इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो अरेस्ट हो गया, कोर्ट छोड़ेगी। ओके, तो ये मामला है, तो अभी सिलसिला शुरू हो गया। अच्छी बात है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि लैंडलॉर्ड अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। हाँ। और फिर ये पता हो कि जिसको मकान किराए पे दे रहे हैं तो उस आदमी का आगा पीछा क्या है, मतलब कहाँ से आया है, उसका शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। फिर उससे डाटा मिल जाता है सारा, उसके खानदान का ओरिजिन पता चल जाता है। तो लेकिन ये असल में हमने ना, हमें कानून या हमें सजाओं की आदत नहीं डाली गई ना। अब जब कोई कानून आता है और पुलिस उस पर इम्प्लीमेंट करती है तो हम तड़प जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा मेरे पे कानून कैसे लागू हो गया। तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कानून से बालातर हो, कानून सबके लिए है, और अगर वो सबके लिए यकसा जो है वो सलूक से उसका इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत सारी बेहतरी आएगी। इसी पर मैं ख्वाजा साहब से बात करूंगी बस, बट इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान में अगेन, वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं कि जहां सियासी और अस्करी हम जो है क़यादत की बात करते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है, तो यस उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्टेट को तहफ़ फराहम करें, हर शख्स को एक बेहतर तरीके से जीने का हक़ दें, और वो उसमें कोशिशें भी हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन एज अ इंडिविजुअल, इस एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, मेरी और आप कि क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पूरा करें, और उसके बाद यकीनन कानून की भी जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स के लिए जो है वो यकसर हो, एक जैसा हो, कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी कुर्सी पे बैठा है वो कानून से बालातर नहीं है। कि मैं नहीं कह रही बल्कि ये ख्वाजा साहब एक हकीकत है, ये एक सच है, रियलिटी है। लेकिन डू यू थिंक कि ये रियलिटी इतने ही शफाफ तरीके से इम्प्लीमेंट भी की जाती है? नहीं नहीं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एवरीबॉडी इज इक्वल यस In the eyes of law, but some are more equal than others. हाँ, very true, very true. ये बड़ी relevant है इस चीज से, ये जो आपने तो बात ये है कि जहाँ पे जो इम्तियाजी सलूक होता है कि जी ये MNA का बेटा है, ये MPA का बेटा है, इसने बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलानी है, और इसने जो है वो यानी वन वे तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उनके गार्ड भी तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है, छोटी छोटी बातों से लॉलेसनेस फैलती है। फिर वही बच्चे एनकरेज होके अपने दोस्तों के ऊपर, अपने गार्डों को कहते हैं गोलियां मारो। हाँ। तो आप इस वक्त देखें 3-4 बड़े लोगों के बच्चे जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने दोस्तों को, अपने गार्डों से गोलियां मरवा के और इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यकीनन नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हुआ ये कि एक लड़का, मतलब सड़क पर बाइक्स वालों का और बड़ी गाड़ियों का आपस में बड़ा जो है वो टकराव होता है, और अक्सर बाइक्स वाले गलत भी बाइक चलाते हैं, खूनों से खुद इस तरह निकाल रहे होते हैं,
लेकिन कभी कभी आगे से भी गलती हो जाती है। तो बाइक का इसमें एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो है वो जो गाड़ी में लोग थे, असला जब हाथ में होगा तो वो चलेगा भी। असला चलाया गया और उस लड़के के टांगों पर जो है वो फायर किया गया, उसको जो है उसकी फ्रैक्चर्स हो गई बोन। और उसके बाद ये कहा गया कि ये हम पर जो है वो हमला करने आया था और उसको उसके नाम पर FIR कटवाने की बात हुई। वो तो जो पुलिस वाले साहब थे उन्होंने जो है कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो करें, आखिर इस बेचारे गरीब आदमी पर जो है वो FIR काटी जा रही है। ऐसे भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन की गई, पता चला कि वो बेचारा टिक्का और बोटी कहीं लगाता है, घर में बच्चे हैं, बीवी है, उससे बात की गई हॉस्पिटल में जाके, तो उसने कहा कि साहब मैंने ना इनको कट किया था, तो इन्होंने गुस्से में उतर के जो है वो मेरे साथ ये किया। और प्रेशर इतना था पुलिस वालों पर कि नहीं आपने इसी की FIR काटनी है। लेकिन तरीक़ेकार से FIR रोकी गई, उस लड़की का इलाज कराया गया और उन्हीं ने इलाज कराया। और ये मैं एक अपने ही शहर के एक पुलिस ऑफिसर की दास्तान आपको सुना रही हूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का। प्रेशर अभी नहीं दिया उन्होंने। हाँ, अभी भी ऐसे अच्छे पुलिस वाले मौजूद हैं, यस, जो कंप्रोमाइज नहीं करते और स्टैंड लेते हैं और बड़े बड़े लोगों के आगे खड़े हो जाते हैं। अगरचे वो बेचारे इन द लॉन्ग रन उनको नुकसान ही होता है, नौकरी में अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती, वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन अपने खुदा के पास कितने सुरखरू हो जाते हैं। यस, और इसका अजर उनकी औलाद को मिलता है। हाँ, अब यही होगा ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आप अगर तो सर ये आप तो माशाल्लाह से आप जिस अब लेवल पर हैं, आपने कानूनी बहुत सारी चीज़ें देखी और आप बहुत सारे लोगों को जो है वो बेहतरी की तरफ ला भी सकते हैं अपने मशवरों के ज़रिए। ये क्यों ऐसा हो गया, हमारी पुलिस का अगर हम बात करें इतना प्रेशराइज क्यों हो जाती है, इतने प्रेशर में क्यों है अपनी वजह? असल में ये जो सिफारिश का कल्चर है, हाँ, और ये जो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स मेरिट पे नहीं मिलती, और फिर ये जो रिश्वत का सिलसिला है, अव्वल तो देखे नहीं, नौकरी करनी है अगर मेरी 26,000 रुपये तनख्वाह है तो आप चाहे मुझे कायद आजम के मजार के सामने खड़ा कर दें या चाहे ले जा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं रिश्वत के साथ हूं, बिल्कुल नहीं। असल में आप बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी अच्छी मिसालें देती हैं कि पाँव पे वजन रखा तो दर्द हुई, इसकी जो मिसाल पंजाबी में है ना, हाँ, हैंड ब्रेक लगा के वो ये है कि वो कहते हैं कुएं में कुत्ता घिर गया, हाँ, अब वो पानी निकाल रहे हैं कि बदबू निकल जाए। अरे भाई पहले कुत्ता निकालो, हाँ, फिर बाद में पानी निकालना। तो वजन और वो ऐसे ही जो है वो आप जरा अच्छी तरह से देती हैं, रूट कॉज को जो है वो उसको खत्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के मसाइल को एक एक करके, ये नहीं है कि एक साथ आप हर चीज़ को ख़त्म कर दें। आप देखें कितने हमारे फोर्सेस के इदारे हैं जिन पर जो है लोग बहुत भरोसा करते हैं, उनसे हमें मोहब्बत है, हम बड़ी अकीदत से उनका एहतराम करते हैं। इसी तरह शहरों में इंसाफ लाने वाला जो इदारा है वह पुलिस का है, जो मेन काम है शहरों को। अब जब उनका आपने इमेज इस तरह का कर दिया तो फिर आवाम की तरफ से हम एक पुलिस से चुके रब्ता पड़ता है हर आदमी का, तो ज़्यादा पुलिस का नाम है और महकमों में बड़ी जबरदस्त रिश्वत है, होगी, हाँ, मतलब ये नहीं है ये सिर्फ पुलिस ही में है, लेकिन ये बेचारे बदनाम है। असल में इनका आवाम से बिल्कुल क्लोज ताल्लुक है ना, बिल्कुल गरीब आदमी की जेब से लेते हैं ना, रिक्शे वाले से, स्कूटर वाले से, बिल्कुल ठेले वाले से, गन्ने के रस की मशीन वाले से, तो इसलिए ये बदनाम होते हैं। और आवाम बाकी जैसे कस्टम के पूरे कंटेनर के कंटेनर आते हैं वो बड़े पैमाने पर, हाँ, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर 30% कट होता है, ये जो नहरें बनती हैं, ये सैलाब से पहले पुश्ते बनते हैं, वो सारे पुश्ते बह जाते हैं, राइट। तो उन पुश्तों का अगर आप कभी सालाना खर्चा देखें कि जी बंद बांधे गए तो वो करोड़ों में होता है, और वो एक बंद नहीं होता, वो ऐसे पानी आता है कि बंद उड़ते हुए चले जाते हैं, उसका कोई ऑडिट भी नहीं होता। तो इस तरह और बहुत सारे महकमे हैं, सड़कें बनती हैं, सड़कें देखें आप, सिर्फ तारकोल डाल जाते हैं, एक बारिश में वो सारी तारकोल खुल जाती है, नीचे कुछ होता ही नहीं, राइट। ये तो हाल है, फिर 6 महीने बाद दोबारा बजट आ जाता है कि इसको रिपेयर करें, लेकिन बस ये है कि पुलिस एक आम इंसान का, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बेचारी पुलिस बदनाम है, क्योंकि पुलिस काम बहुत करती है, बिल्कुल। अगर पुलिस ना हो तो हम सुबह जो घर से निकलते हैं शाम को सलामत नहीं पहुंच सकते, हमारी बीवियां घर से निकलती हैं माशाल्लाह वापस सलामत आ जाती हैं, तो ये सारा जो निजाम है ये पुलिस चला रही है। नहीं तो हम देखे पुलिस को क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन जो उनका क्रेडिट है, हम जो घर आ जाते हैं, हमारे बच्चे घर आ जाते हैं, हमारी बीवियां घर आ जाती हैं, बहनें घर आ जाती हैं, तो ये पुलिस की वजह से आई है, उनका डेटरेंस है।
Right. वरना आप ये देखें, आप ये देखें जो अभी बंदा हम बात को खा जाए। हाँ, हम जो अभी बात कर रहे हैं, पुलिस के खौफ से बात ही स्टार्ट इससे की कि आपको उनके पहले मसाइल को हल करना होगा। आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको वसाइल प्रोवाइड करें, उनके मसाइल को हल करें, ताकि वो अपने बच्चों को भी हलाल तरीके से जो है वो कमा सकें, उनको खिला सकें, वो इन तमाम चीज़ों से, इस बुरी लानत से बच सकें। तो बात ही भी यही हुई, अल्लाह ना करे मैं यहाँ कोई नहीं होती कि मैं किसी को बोलूँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है। यस, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उस पर बात करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, वो मैं आज भी कर रही हूँ, वो मैं कल भी करूँगी, लेकिन किसी को डिक्लेयर कर देना कि ये अच्छा है और ये बुरा, ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आप बिल्कुल बेचारी मजलूम है। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, मज़्लूम, आप मज़्लूम इस जगह पर हैं, आपका स्टेटस है कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, मजलूम है, क्योंकि इनके अगर अंदर के हालात देखें तो बेचारों के बहुत ही खौफनाक। यही तो हम अभी बात कर रहे हैं, सबको ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स नहीं मिलती। हाँ। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बेचारों की वर्दियां भी फटी हुई हैं। राइट, और फिर उसके बाद सियासी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर यही सब, ये तो मसाइल हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, इसका मतलब है मैं ये सोच लूं कि ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और कानून जो है वो सबके लिए, पुलिस अस्पताल में गोलियां नहीं होती, आप यकीन करें, ये क्या होती है, छोटी मोटी जो सर दर्द की दोती होती है वो भी नहीं होती। इतने मसाइल हैं। और आप देखें कि जब खुदा ना खास्ता जब पुलिस वाले, या आप देखें जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, इनको भी जो है वो पिछले कुछ दिनों में इनको भी मारा गया, जो ट्रैफिक वार्डन्स थे उनकी भी हलाकतें हुई। फिर जो पोलियो के वर्कर्स के साथ जो पुलिस वाले थे उनको भी मारा गया, पोलियो वर्कर्स पर भी हमले किए गए। लेकिन जब एक आम पुलिस वाला जो है शहीद होता है तो उसको मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जितना मैंने इस वक्त अभी तक देखा है उनको वो वाला प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता ना जो बाकी तरीकों से दिया जाता है। खास साहब अब हो गया है, पुलिस हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा होती है। अच्छा। आईजी साहब, डीआईजी साहब सारे शरीक होते हैं। अच्छा, वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। जैसे आर्मी जवानों में जनरल राहिल शरीफ साहब खुद पहुंचते हैं सब जगह, इसी तरह इनका भी आईजी जाता है, डीआईजी जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, क्योंकि हर वो शख्स जो अपने मुल्क के लिए, किसी सूरत में अगर आईजी ना हो तो डीआईजी वगैरह लाजमी जाते हैं। राइट। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए 5 पॉइंट्स आपसे मांगे जाएं, तो वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे? किसकी, पुलिस का जो आप कह रहे हैं? अब पुलिस की बात, उसमें पुलिस भी आएगी ना, जब आप एक शहर को, एक मुल्क को बेहतर करें। हाँ, मुआशरे को जो अभी हमारे यहाँ मामलात हैं इसको बेहतर करने के लिए आप क्या 5 सजेशंस देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो तनख्वाह मुकरर करें जी किसी भी एम्प्लॉय की, जिस लेवल का है, तो वो उसके अखराजात के हिसाब से, यानी जिससे उसका घर, चूल्हा, बच्चे की तालीम, अगर 3 बच्चे एवरेज लगा लें तो वो चल जाए। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी देखें कि जिस बंदे का जो ओहदा है वो अपने मींस के मुताबिक रहे। अब ये नहीं है कि अब वो है तो इंस्पेक्टर मगर बंगला डिफेंस में है और बच्चे वहाँ के बेहतरीन स्कूल में जा रहे हैं जहाँ फी बच्चे की 18,000 रुपये फीस है, तो फिर उसको भी चाहिए कि हैंड ब्रेक लगाए। तो इसलिए कि देखें, रिश्वत ज़रूरत भी है और रिश्वत बीमारी भी है। ठीक है, ज़रूरत तो उस शख्स की है जिस बेचारे का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हाँ। और बीमारी उसके लिए है जिसको हवस है। अभी आपने देखा जो एक बलूचिस्तान का सेक्रेटरी पकड़ा था तो 60 करोड़ रुपए नगद बैगों के अंदर बंद करके रखे हुए थे, वो ट्रांसपोर्ट होने थे, दुबई चले जाने थे, लेकिन ऐन मौके पे मुखबरी पे जाके नैब ने पकड़ लिया। तो अब ये तो एक सेक्रेटरी पकड़ा गया ना, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके बैगों में इतने ही रुपए हैं। अभी देखिए इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने, खैर वो इनकम टैक्स के लिए किया लेकिन रिश्वत भी उसी में शामिल है, उन्होंने नोट ही बदल दिया, करेंसी चेंज कर, और वहाँ रोज आ रहा है। आज भी मैंने सुबह पढ़ा कि एक बंदे ने खुदकशी कर ली कि वो 3 दिन लाइन में लगा रहा, उसकी बारी नहीं आई वो नोट बदलवाने की। तो इतना नोट लोगों ने वहाँ खड़गड़े खोद के उसमें रखा हुआ था। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से रातों रात ये उनके यहाँ जो है वो रिवाइवल आया है, और आई थिंक 100 रुपीज़ का 2000 का कोई वो है। ख्वाजा साहब आप क्या कमेंट करेंगे, ये कोई अकलमंदी थी ये फैसला करना? ज्यादती भी है। हाँ। देखिए, कई बूढ़ी औरतें, कई वो बेचारी वो जमा करके रखती हैं, उनके बच्चे भेजते हैं। अच्छा, उनका एक ही होता है कि मरते वक्त ये मेरे पास असासा हो। हाँ। मेरे जनाजे के लिए, मेरे उसके लिए। तो अब आप इस तरह से रातों रात नोट बदल दें, अब 70-80 साल की औरत अव्वल तो ना अखबार पढ़ती है, ना टीवी देखती है, ना कुछ है, और वो बैठे बैठे वो जीरो हो गई। यानी उसने अगर सारी उम्र अपना जमा करके कोई असासा रखा हुआ है
ये ज्यादती है, ये गलत बात है। आपने नोट के ऊपर लिखा होता है कि ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, तो वो नोट चाहे देखें, लंदन में भी उन्होंने पाउंड बदला था, लेकिन वो 20 साल बाद अभी भी आप बैंक में चले जाएं तो वो पुराना पाउंड ले लेते हैं। अच्छा। आपको पैसे नए पाउंड से दे देते तो हैं। ये तो ये भी तो आप साथ ये तरीका होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए ना, वरना इस तरह तो आप जिस तरह अभी बाप बता रहे हैं कि एक शख्स ने सुसाइड कर ली, तो ये कितनी आज के अखबार में है कि 3 दिन लाइन में लगा रहा और उसकी बारी नहीं आई तो उसने सुसाइड कर ली। हाउ सैड, कितनी बुरी बात है। एक तो उसका पैसा बेचारे का जाया और ऊपर खुद भी चला गया। ये देखिए ये कितनी इस तरह की, तो जब हुकूमत भी कोई चीज़ करती है तो अपने मुआशरे का जो अपने लोग हैं उनका थोड़ा सा मिजाज भी देखना चाहिए उसको। और कितने हम पाकिस्तान की भी बात करें, बहुत सारे इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर शायद अभी तक बिजली भी मौजूद नहीं, टीवी भी लोगों तो के पास कैसे नहीं, केबल नहीं, लेकिन नोट उनके पास भी है, नोट उनके पास। इसी तरह इंडिया इतना बड़ा इंडिया है, तो वहाँ किसी के पास कोई रेगिस्तान में रहता होगा, वो रहे बेचारे भी उनके कहाँ अकाउंट होंगे, उन्हें पैसे रखे हुए होंगे, अब वो तो नहीं जा सकते शहर में उसको जमा करने। ये ज्यादती है, जहाँ लोग कुओं से जाके पानी भर के आते हैं वहाँ पर आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, थर के इलाके में चले जाएं या उससे आप आगे जाएं तो आपको शहर के करीब ही एक फरसूदा निज़ाम ज़िंदगी नज़र आता है। अफसोस है उन तमाम लोगों पर, उन तमाम अरबाब इख्तियार पर जो बार बार आते हैं, हुकूमत भी करते हैं लेकिन अपने शहर के करीब करीब जो इलाके हैं जहाँ पर लोग कभी पानी से, कभी भूख से, कभी गंदगी से और कभी बीमारी से मर जाते हैं, जानवर भी वहीं से पानी पीता है और इंसान भी वहीं से पानी पीता है। ये कहीं दूर की कहानी नहीं है, पाकिस्तान से ही कुछ किलोमीटर, कराची से कुछ किलोमीटर दूर, कुछ घंटों की आप अगर जो है वो ड्राइव करके जाएं तो आपको सिंध के या थर के इस तरह के जो है अब वो इलाके नज़र आते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती और हमेशा मेरे जहन को क्लिक करती है। मैं 1990 से रेगुलर जेलों में जा रहा हूँ केस चलाने के लिए। आसिफ जरदारी साहब के केस थे 1990 में, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के केस थे, फिर इसके बाद और लोगों के केस होते रहते हैं। मैं अभी वसीम अख्तर साहब के, आप हमारे जो मेयर हैं उनका, जी जी, तो मैं वहाँ अपनी आंखों से देखता हूँ जो भी सिस्टम है रिश्वत का उसका। तो ये लोग इतने बड़े बड़े लीडर ये जेलों में रह कर आते हैं, तो एक एक अंदर की हालत देख कर आते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं अभी तक बशमूल नवाज शरीफ साहब, बशमूल आसफ जरदारी साहब, ये सब मेरे साथ रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा कि किसी एक ने कोई जेल के रिफॉर्म्स किए हों इस टाइप के कि वहाँ की रिश्वत ख़त्म हो जाए। हाँ। या वहाँ कोई सिस्टम बन जाए, हालांकि वहाँ रह के हर चीज को जान जब आदमी, मैं तो थोड़ी देर के लिए जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। हाँ, तो जो वहाँ रह कर आता है बंदा 24 घंटे, और फिर वो कई कई महीने रहते हैं और सब देख कर आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो वो बस कहते हैं कि मुड़ के देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। चले जी ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कुछ सजेशन दिए। आई होप कि जो हमने अवाम की बात की, जो हमने इदारों की बात की, वो उसको समझ भी सके और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सके। बाकी देखने वाले बड़े समझदार लोग हैं। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।